हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। हाँ, तो मैं जिला पिथौरागढ़ के चंडिका मंदिर में आ रखा हूँ, माता रानी के दरबार में दर्शन करने। दोस्तों, जिस व्यक्ति को नॉलेज होगा, ये मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, माता रानी आपकी झोलियाँ भर देगी। तो दोस्तों, खासकर मैं इस विषय पे यहाँ पहुँचा हूँ ताकि इस मंदिर के माध्यम से और माता जी की कृपा से मैं अपनी बात श्री नरेंद्र मोदी जी से और श्री योगी जी से रख सकूं। तो मेरा गांव कटरा है, मेरा जिला बहराइच, थाना मूर्तिहा, तहसील मूर्तिहा, गांव सहजरामपुरवा, मौजा मंझरा, पोस्ट मंझरा। और मेरे गांव के माननीय श्री विधायक सरोज शंकर जी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो मेरे गांव मंझरा का खास विशेष ध्यान रखे, माता उनकी झोलियाँ भर देगी। मैं जिला बहराइच से उत्तराखंड आ रखा हूँ पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से वीडियो बना रहा हूँ पहाड़ी से। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो को देख पा रहे होंगे तो अच्छे से लाइक करना। और ये लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना मनगढ़ंत बातें हैं ये। और मेरा गाँव कट रहा है दोस्त, मेरे गाँव की मदद के लिए आप सभी दोस्तों का मुझे साथ चाहिए कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर आप वायरल कीजिए ताकि श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी जी देख सकें। मेरा सौभाग्य है श्री योगी जी जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री बने, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। मेरे गांव की हज़ारों जनता उनके सपोर्ट में खड़ी है। मेरा गांव प्लीज़ कटते हुए आप बजा लीजिए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ज़रूर बजाइएगा। जय माता रानी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ जगदम्बे। हाय दोस्तों, ये मंदिर है पूरा मेरे दोस्तों, जिन व्यक्तियों को ये पिथौरागढ़ में मेरे दोस्त रह रहे हैं, शायद मेरी पर्चे यहाँ भी है, मैं पप्पू पेंटर हूँ। जो जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो ज़रूर दोस्त लाइक करना, मेरे चैनल संध्या संधु को सब्सक्राइब करना दोस्त, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि मैं एक इंसान के रूप में अपने गाँव की सेवा कर सकूँ। और सेवा मुझे सेवा करने का मौका मिला है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पेंट का काम भी करवा रहा हूँ और मैं खुद पेंट करता हूँ। और ये मेरे कुछ दोस्त लगे हुए हैं ऊपर, शायद आप देख रहा पाए होंगे, बहुत आराम आराम से देखना दोस्तों। ये देखो कितनी मेहनत से काम चल रहा है यहाँ पे, कितनी मेहनत से लगे हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए। ये देखिए दोस्त, सीढ़ी लगी हुई है और मेरे दोस्त मंदिर के ऊपर कलर कर रहे हैं। आज दशहरा है, दशहरे की तरफ से सभी दोस्तों को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। दोस्त, माता रानी आपकी झोली भर देगी अगर मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे। आपका नाम? कमलेश यादव। ये मेरे दोस्त हैं, ये काम कर रहे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्त। ये मंदिर पर सब सेवा कर रहे हैं और हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ वीडियो भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और साथ में हाथ भी जोड़ के विनती भी कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से कि मेरे गांव को बचा लें सर। और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ सर, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर। जय माँ शेरावाली, आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरें। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हिंदुस्तान में जन्म लिए सर। और ये मेरी माँ का संघ भी बज गया है, शायद आप भी सुन पा रहे होंगे। तो आपकी जीवन में मेरी माँ ये खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगी। संख भी बच गया आपके नाम से, श्री योगी जी के नाम से, चंडिका मंदिर से। दोस्त, मेरे इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। और मेरा गांव कट रहा है बहुत बुरी तरीके से, मैं अपने गांव के समाज की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन मैं पप्पू यादव इस आवाज़ को उठा के सोशल मीडिया के जरिए श्री योगी जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे गांव को प्लीज़ बचा लीजिए। मेरे गांव में एक जगत शक्ति मंदिर है, मतलब बाबा भिनगाह नाम से परिचित है वो मंदिर। वो मंदिर इसलिए परिचित है, हमारे गाँव में अभी भी 110 साल के बुजुर्ग हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ, उनसे सीखी मिली है। मैं जनवरी में घर जाऊँगा तो उनको भी दिखाऊँगा अपनी वीडियो, मैं उनको ला के दिखाऊँगा। उन्होंने कहा है कि जब हमारा गांव कट रहा था तो एक बार एक पटवारी आया था मेला करने के लिए, तो उस नदी में, वो बहुत साल पहले शायद, मुझे नहीं पता है, तो वो लोग गए हुए थे तो पैदल ही चले गए थे, तब से वहां पे मंदिर बना हुआ, उस मंदिर तक ही नदी आके रुकी है। और मंदिर के पास में नदी रुकी नहीं, बहुत सारे गाँव उजड़ गए हैं सर, प्लीज़ आगे बचाइएगा।